नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अगर आपकी, आपके घर के किसी बच्चे या बड़े की नाक से अक्सर खून आता है तो आज आपको संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। नोज ब्लीडिंग से परेशान लोगों के लिए क्यों खास है आज की संजीवनी, आइए देखते हैं। आपकी नाक से खून क्यों आता है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? होम रेमेडीज को नहीं, रूट कॉज को जानिए और देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो आज हमने टॉपिक लिया है डॉक्टर चौहान, नोज ब्लीडिंग। जी। आखिर ऐसा होता क्यों है और क्या कि किसी आने वाले बड़े खतरे का संकेत इसे कहा जा सकता है, किस तरह से देखें इसे? देखिए, नोज ब्लीडिंग जिसको आम भाषा में कहते हैं ना, नकसीरी या नकसीर आपकी छूट गई है, ऐसे बोलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो इस रोग को जो है, हम जो मुख्य कारण इसका देखें तो वो पित्त के कारण होता है। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी शरीर में हो गई है, गर्मी के मौसम में आमतौर पर देखा होगा आपने लोगों के नाक से खून आता है। और थोड़ा सा और गहराई से इसको समझें तो आयुर्वेद में एक रोग लिखा है जिसको रक्त पित्त बोलते हैं। रक्त यानी कि ब्लड, पित्त आप जानते हैं वात पित्त कफ से गर्मी, तो नाम से ही आपको थोड़ा सा ज्ञात हो जाएगा कि जो रक्त पित्त है इसमें पित्त बढ़ता है और वो हमारे ब्लड के अंदर जो है हीट पैदा करता है। और फिर ये जो रक्त पित्त है इसमें नाक से भी और किसी भी जो हमारे बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं कहीं पर भी, चाहे वो वेजाइनल है या एनल है, कहीं कान से है, नाक से है, मुंह से भी खून आ सकता है रक्त पित्त के अंदर। तो गर्मी या पित्त के बढ़ने से जो है इसमें मेन हमने कारण बताया, तो जो भोजन गर्मी बढ़ाते हैं उनसे डेफिनेटली एक आपको बचना चाहिए। और गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप में जो काम करते हैं लोग, या जो जिनका एक्सपोजर धूप में ज़्यादा होता है, बहुत देर तक धूप में रहते हैं, या फिर ओवर एक्सरसाइज आप करते हैं, ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, खट्टी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन आप सेवन कर रहे हैं, या जिनको हम कहते हैं कि तासीर जिनकी गर्म है, गर्म तासीर वाली चीज़ें आप ज़्यादा सेवन करते हैं, और माइंड में अगर बहुत ज़्यादा तनाव है, एंग्जाइटी है, या कई बार ग्रीफ होता है किसी कारण से, आपका मन जो है शोकाकुल है, तो ये भी जो है ये एक कारण इसका बनता है। ऑफ कोर्स अल्कोहल सेवन करना, स्मोकिंग करना, तंबाकू का सेवन करना, ये सब नकसीरी के कारण आपके बनते हैं। कैसे सेहत की संजीवनी है जो बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्या नाक से खून आना इसका संबंध किसी रोग से हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली ऐसा तो मैंने जैसे आम तौर पर तो मैंने बताया कि पित्त से होता है, लेकिन अगर हम देखें कि किसी रोग से इसको जोड़ें तो कई लोगों को जो साइनस होते हैं, अगर साइनस में सूजन होगी या अंदर की हमारी नेजल की जो नाक की अंदर की मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन कई बार कमज़ोर हो जाती है, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर कोई ट्यूमर बन गया, गांठ बन गई है, कई बार अंदर कोई कैंसरस कोई डेवलपमेंट हो गई है, उसके कारण भी जो है ब्लीडिंग डेफिनेटली हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, उसमें कई बार कहते हैं ना कोई नस आपकी ब्लड की जो है रप्चर हो गई है, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें हमारा ब्लड अगर होता है तो वो अपने आप ही वहाँ से निकलना शुरू होता है, या फिर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, हीमोफीलिया एक रोग होता है, ल्यूकेमिया एक रोग होता है, इनके कारण भी जो है नाक से आपको खून आ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको इस तरह का कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण या कुछ और कारण बनते हैं तो उनको ब्लीडिंग हो सकती है। तो यदि नोज ब्लीडिंग आपको हो रही है और किसी अन्य कारण से भी अगर हो रही है तो केवल ऐसा मत करिए कि आप कुछ वहाँ पर कुछ टेम्पररी इलाज कर रहे हैं। कई लोग करते हैं कुछ वहाँ कॉटन लगा लिया, थोड़ी देर में ब्लड बंद हो जाता है। मूल कारण का उपचार, ये मैं बार बार आपको ये मैं बोलता हूँ, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मूल कारण का उपचार आपको करना चाहिए। और जीवा में नोज ब्लीडिंग के और कई प्रकार की जो ब्लीडिंग होती हैं उसके, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के, बहुत अच्छा इलाज होता है, बड़ा फास्ट इलाज होता है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो यदि आप भी इस रोग से पीड़ित हैं या किसी को जानते हैं जिसको बार बार ये नाक से ब्लीडिंग होती है, तो जीवा का सेहत का नंबर उनको ज़रूर बता दीजिए। कॉल करके हमारे डॉक्टर से आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्लिनिक पर भी जा सकते हैं, दोनों ही फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। कैसे सेहत की संजीवनी है जौ बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर के बाद। और संजीवनी दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, दिल्ली से रमा है। रमा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी,
नमस्कार डॉक्टर जी। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि जैसे जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो मुझे कोरोना हुआ था, मेरी एज जो है अभी 35 है जी, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट हो सकते तो वह ठीक हो गया, बट ये कि कभी कभार जैसे मुझे सर्दी जल्दी लग जाती है और गले में खसराहट सी रहती है, मैंने चेकअप भी करवा लिया पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा आयुर्वेदिक में आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई परेशानी ना हो। देखिए कोरोना के बाद ना बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहा है मुझे। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैं पहले बिल्कुल अच्छा भला था, ठीक था, कोरोना के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और नॉट ओनली फिजिकल प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो गई हैं लोगों को, और फियर, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को आया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि इस पर हमने बहुत काम किया है, और यहाँ केवल भारत में नहीं इंटरनेशनली हमने काफ़ी काम किया है, जापान में, फ्रांस के अंदर, कई देशों में जो हमारे डॉक्टर्स के साथ, हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं वहाँ के डॉक्टर्स के साथ, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसमें आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है इसमें क्योंकि मेडिसिंस देते हैं, रिजुविनेशन, थोड़ा रसायन जिनको हम कहते हैं कि जो आपके शरीर में हर लेवल पर टिश्यूज़ को जो है नरिश करते हैं, आपके ओज को बढ़ाते हैं, वो एक मेडिसिंस दी जाती हैं। साथ में कई बार हम डिटॉक्स भी इसमें करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर जो टॉक्सिक चीज़ें बॉडी में जमा हो गई हैं, तो उसके लिए हम पंचकर्म के लिए आपको ज़रूर बुलाएंगे कि एक बार बॉडी का पूरा डिटॉक्स हो जाए। प्लस माइंड के लेवल पर कुछ मेद्य रसायन है जो कि मन को जो है शक्ति देते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहें ब्रेन को नरिशमेंट देते हैं। प्लस काउंसलिंग है, माइंड वेलबींग का पूरा प्रोग्राम हमारे यहाँ, माइंड वेलबींग या डीपर कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके हैं उनके लिए भी चित्त शोधन थेरेपी है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप जीवा से जुड़ जाइए और फिर हमारे डॉक्टर से बातचीत करके इसका पूरा उपचार आप कराइए। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों के नाक में खून आता है, ये प्रॉब्लम, नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपनी डाइट में क्या कुछ लेना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार? जी देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मूल कारण है गर्मी, पित्त बताया मैंने, पित्त बढ़ना जो है इसका मूल कारण है। इसलिए अगर आपको अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, उसको ठीक करना है, तो पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं खाना है। अब मैं आपको बताऊं पित्तवर्धक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आप अगर चाय पीते हैं, सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, चाय सभी लोग पीते हैं, आजकल तो चाय का एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि दो चाय तो सभी पीते हैं, किसी से पूछ लो, एक तो सुबह पीते हैं, एक आफ्टरनून में। लेकिन अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग होती है तो आपके लिए ये बिल्कुल ख़तरनाक है, कॉफ़ी, चाय या कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़। एंड अगर आप कोई टबैको का सेवन करते हैं, अल्कोहल सेवन करते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप, या फिर जो है ऐसी चीज़ों का जो जिनकी तासीर गर्म है, बहुत ज़्यादा मिर्ची, मसाला, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, दही का सेवन कर रहे हैं, या फिर जो है आप ऐसी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें एक तरह से विरोध होता है, जो वो भी एक कारण बन जाता है इसमें, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। इसी तरह से लाइफस्टाइल के अंदर आपको गर्मी से बचना है, बहुत ज़्यादा हीट आपके शरीर में नहीं बढ़नी चाहिए। इसके विपरीत में आपको कूलिंग चीज़ों का सेवन करना है। कूलिंग चीज़ें क्या होती हैं, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, नारियल पानी का सेवन करिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि हम गर्मियों के मौसम में बताते हैं, आपको सत्तू का सेवन कर सकते हैं, ठंडाई बना करके पी सकते हैं, या फिर जो है घिया है, जो लौकी जिसको बोलते हैं, उसका सुबह जूस पी सकते हैं आप, सफ़ेद पेठा आता है उसका जूस पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें कूलिंग हैं। तरबूज का सीज़न है तो तरबूज खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, लस्सी पी सकते हैं। और जीवा में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आंवला है, जैसे आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, या फिर ताज़ा आंवला मिलता है उसकी कोई आप उबाल करके उसको सेवन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल हैं, केवल आपको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इसका रूट क्या है, इसकी जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। एक बार ही वो समझ आ जाएगी और फिर थोड़ा सा आप जो है उस पर चलने लगेंगे, जो हम आपको जो बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको फॉलो करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, नाक से खून आना, क्या आयुर्वेद में इससे आराम आ सकता है, और ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं हैं या पंचकर्म हैं जो इसमें हेल्प करते हैं?
देखिए डेफिनेटली जैसा मैंने शुरू में बताया कि जीवा में तो नोज ब्लीडिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं और ख़ास तौर से मैंने देखा छोटे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बार उनको जो है मालूम नहीं होता, खाना पीने के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता, और आजकल तो मैंने देखा कि बाहर विदेश से भी लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत अच्छा इलाज है जैसा मैंने बताया कि अच्छा भी है और जल्दी हो जाता है। एक तो सभी दर्शकों से मेरा सभी से अनुरोध है कि आप हमारे पास लास्ट में मत आइए, आप शुरू में हमारे पास आइए। शुरू में आएंगे तो मैं जल्दी का जो मैंने प्रयोग किया कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल आने लगे हैं। अब लोगों का आयुर्वेद में विश्वास इतना बढ़ गया है कि अब लोग जैसे ही रोग शुरू होता है, जीवा में तो मैंने आमतौर पर ये देखा है, अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ, लाखों लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी समस्या होती है सबसे पहले जीवा में आते हैं। और उसका जो मूल उसका जो सिद्धांत जो है वो क्यों लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्या उसका रहस्य है, वो ये है कि जीवा में जो भी हम इलाज करते हैं वो रूट कॉज को पकड़ के उसका इलाज करते हैं ताकि रोग वापस ना आए। दूसरा, जीवा में हम आपको शिक्षित भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको केवल दवाई दी आप अपने घर चले गए आप ठीक भी हो गए, साथ में आपको बताते हैं कि आपका ये रोग क्यों हुआ, क्या क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हैं, ताकि आगे के लिए आप सतर्क हो जाएं। और ऑफ कोर्स दवाइयों के साथ साथ पूरा जीवन शैली, उसके साथ आपको क्या क्या व्यायाम करना चाहिए, न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा हमारे जीवा में सेक्शन है जो न्यूट्रिशनिस्ट उसमें आपको डाइट के बारे में बताते हैं, हर लेवल पर आपको एक तरह से एजुकेट किया जाता है। और जीवा के हेल्थ कोच, अगर आप जीवा से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा हमारे हेल्थ कोच निरंतर आपके टच में रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, आपका हालचाल भी पूछते हैं, आपकी मेडिसिन ख़त्म हुई है क्योंकि मेडिसिन का टाइम हो गया है लेने का, वो सब चीज़ें आपको याद दिलाते हैं। जहाँ तक नोज ब्लीडिंग की बात है और मेडिसिन की आपने बात की, तो अगेन पेशेंट के रूट कॉज को समझ करके उसके अनुसार मेडिसिन दी जाती है। आमतौर पर कूलिंग चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे मैंने कहा जीवा की आंवला टेबलेट आप ले सकते हैं, जीवा का एक ST मधु कंपाउंड करके एक प्रोडक्ट आता है, आंवला जूस बहुत अच्छा है, एलोवेरा जूस आप हमारा पी सकते हैं, ये सब है। और कभी आपको इमरजेंसी में कभी ब्लीडिंग रोकनी है तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बता रहा हूँ, जो दूब होती है, हरी घास जो होती है, अच्छी साफ सुथरी घास धो करके उसका थोड़ा जूस निकालिए, रस निकालिए और नाक में 3-3 बूंद डाल दीजिए दोनों तरफ। या गेंदे का आपको फूल मिलते हैं, जो गेंदे के फूल को थोड़ा मसल के उसका थोड़ा रस निकालिए, 2-2 बूंद वो नाक में डाल दीजिए, उससे भी आपकी ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी। लेकिन ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, असलियत आपको अंदर से उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी रोग आपका जड़ से ठीक होगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 01294040404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सेहत की संजीवनी कैसे है जॉ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।